दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं राजद के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जो कि कल महामहिम राज्यपाल से मिलने गए थे। सर, कल महामहिम राज्यपाल से मिलने गए थे, क्या कुछ उद्देश्य से मिलने गए थे? देखिए, महामहिम राज्यपाल जो कुलाधिपति भी होते हैं, उनसे मुलाकात करके हमने राज्य के विश्वविद्यालयों के खेल की स्थिति पर चर्चा की और उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया कि विश्वविद्यालयों में नुंज पुंज तरीके से दयनीय स्थिति है खेल का, और ये खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो खेल के विकास के लिए, क्योंकि युवा जो हमारे हैं वो, तो विश्वविद्यालय में अगर खेल की स्थिति चुस्त और दुरुस्त होगी, विश्वविद्यालय के स्तर पर अगर साधन संसाधन और आधारभूत संरचना और प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था होगी, तो ये खिलाड़ी पदक ला करके राज्य का, विश्वविद्यालय का और देश का सम्मान बढ़ाएंगे। तो विश्वविद्यालय स्तर पर खेल की स्थिति में सुधार, सुचारू रूप से खेल का संचालन और खेल की गतिविधियों को गतिशीलता प्रदान करने के लिए महामहिम राज्यपाल से अनुरोध किया और मांग पत्र सौंपा। महामहिम जी ने कहा कि हमने इसके पहले ही, आपके मांग के पहले ही हमने निर्देशित किया है, तमाम विश्वविद्यालयों में खेल की स्थिति में सुधार होनी चाहिए और फिर से हम इस मामले को विश्वविद्यालयों के प्रशासन को निर्देशित करेंगे कि स्पोर्ट्स बोर्ड को मजबूत किया जाए और खेल कूद की गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हों, इसकी व्यवस्था की जाए। राजद जो है केंद्र सरकार के खिलाफ धरना, देखिए, युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम चला रही है और जातीय जनगणना की मांग को लेकर के, महंगाई को लेकर के, शिक्षा में सुधार को लेकर के सड़कों पर उतरेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। महागठबंधन ने भी बिहार में फैसला लिया है, कल आपको पता होगा कि 15 जून से प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन होगा केंद्र सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ, जन विरोधी सरकार के खिलाफ, और अनुमंडल स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर हल्ला बोला जाएगा सरकार के खिलाफ, सरकार का पोल खोला जाएगा। ये कार्यक्रम लगातार हमारे पार्टी के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा आयोजित किए जाते रहे। तो अभी हमारे साथ थे राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। इन्होंने क्या कुछ कहा, इन्होंने कल महामहिम राज्यपाल से मिले थे और जो विश्वविद्यालय में खेल का व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है उसी को लेकर इन्होंने महामहिम राज्यपाल से मिलने गए थे और महामहिम राज्यपाल के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है खेल के, विश्वविद्यालय में जो भी खेल की व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त कराने को लेकर। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।